क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट आयरन कर रहे थे, जिसमें कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन एज द नेम सजेस्ट, ग्रे कास्ट आयरन इज ऑफ ग्रे कलर। ठीक है, जी ग्रे नाम आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ग्रे कलर से आ रहा है कि जब हम किसी कास्टिंग को ब्रेक करते हैं बीच में से और जब उसको तोड़ करके क्रॉस सेक्शन व्यू देखते हैं उसका, तो वो आपको कैसा दिखता है, ग्रे कलर का होता है। अगर आप क्रॉस सेक्शन व्यू उसका देखोगे तो ये ग्रे कलर का देखेगा, यहीं से नाम इसका आया ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ग्रे कास्ट आयरन इज बेसिकली इज एन अलॉय ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन विद आयरन। इट इज रेडली कास्ट इन टू डिजायर्ड शेप इन अ सैंड माउल्ड। तो ये बहुत इजीली सैंड माउल्ड हो जाता है। इसमें सिलिकॉन को हम ऐड करते हैं, आयरन और कार्बन के साथ हम सिलिकॉन को इसमें बेसिकली ऐड करते हैं ग्रे कास्ट आयरन बनाने के लिए। इसमें कार्बन का परसेंटेज सिलिकॉन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर की ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज में इनको मिलाया जाता है और इस रेंज में 2.5 से 3.8% कार्बन मिलाया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम कार्बन का परसेंटेज जब है, हाँ, 2.5 से बढ़ा करके जब एक्सीड करते हैं तो ये कास्ट आयरन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 से 3.8% तक कार्बन इसमें अटैच्ड है या इसमें मिलाया जाता है। इट इज मार्क बाय द प्रेजेंस ऑफ द फ्लेक्स ऑफ द ग्रेफाइट इन अ मैट्रिक्स ऑफ फेराइट, परलाइट और ऑस्टेनाइट। तो यहाँ पे देखिए फेराइट, परलाइट या फिर ऑस्टेनाइट, इन तीनों में से किसी एक में जब हम ग्रेफाइट को मिक्स करेंगे, ग्रेफाइट यहाँ लिखा ग्रेफाइट फ्लेक्स, फ्लेक्स का मतलब होता है इस तरह के, देखिए लंबे लंबे आपको ये चिप्स जैसे दिख रहे हैं, फ्लेक्स इसी को कहा जाता है। ये जो दिख रहे हैं ये आपको लेंथ में दिख रहे हैं, ये जो ग्रेफाइट के पार्ट हैं इस तरह से ये लेंथ वाइज दिख रहे हैं, इसी को कहा गया है ग्रेफाइट फ्लेक्स। तो अगर इन तीनों में से किसी में भी आपके ग्रेफाइट फ्लेक्स ऐड हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, ग्रे कास्ट आयरन बन जाता है। ठीक है, किसी भी फेस में हो सकता है, फेराइट ऊपर वाला, नीचे परलाइट और उसके ऑस्टेनाइट उसके ऊपर वाला, जहां से ये दोनों एलिमेंट बन करके निकलते, फेराइट और ऑस्टेनाइट। ग्रेफाइट फ्लेक्स ऑक्यूपाइज अबाउट 10% ऑफ द मेटल वॉल्यूम। लेंथ ऑफ द फ्लेक्स में वेरी फ्रॉम 0.05 mm टू 0.1 mm। तो अगर किसी वॉल्यूम की कास्टिंग को अगर हम बनाते हैं तो जिसमें कि अगर आप कास्टिंग बनाते हो तो 10% जो वॉल्यूम है वो क्या ले लेते हैं, ये ग्रेफाइट फ्लेक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये जो आपके ग्रेफाइट फ्लेक्स हैं ये 10% वॉल्यूम उसका ले लेते हैं, क्योंकि ये ज्यादा परसेंटेज में उसमें इन्वॉल्व होते हैं कास्टिंग में। when it is fractured, a bar of gray cast iron gives a gray appearance। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम किसी रॉड को या किसी वर्क पीस को बीच से तोड़ेंगे और तोड़ करके हम उसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखेंगे तो आपको क्रॉस सेक्शन व्यू में उसका कैसा कलर मिलेगा, आपको ग्रे कलर मिलेगा। ये यहीं से नाम आया इसका ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन पोजेसेस अ लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फेरस अलॉय। इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे लो होने वाला है, जितने भी कास्ट आयरन है उसमें से सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट ग्रे कास्ट आयरन का रहता है। ग्रे कास्ट आयरन पोजेसेस अ हाई फ्लूडिटी एंड हेंस इट कैन बी कास्ट इनटू कॉम्प्लेक्स शेप्स इन द थिन सेक्शन। अच्छा, एक इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसकी फ्लूडिटी बहुत ज्यादा होती है। फ्लूडिटी का मतलब होता है जब ये लिक्विड फेस में होता है और अगर हम क्या करते हैं, इसको सैंड मोल्ड में डालते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स शेप की सैंड मोल्ड अगर हम बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस तरह का हमने कोई शेप बनाया, इस तरह की कोई कास्टिंग बना रहे हैं, इसके अंदर ये मोल्ड है ना, तो इस मोल्ड में वो क्या करता है, इजिली फ्लो करता है, इसी को कहा जाता है फ्लूडिटी। आप लिक्विड मेटल को जैसे इसके अंदर पोर करोगे मोल्ड में तो ये इजिली क्या होता है, पूरे सेक्शन में जाकर के इस तरह से ये फिल हो जाता है, ये कहलाती है इसकी फ्लूडिटी। इसीलिए इसका कॉम्प्लेक्स शेप बनाने में इसको बहुत ज्यादा ही इसलिए ये हेल्पफुल होता है। कौन सा, ग्रे कास्ट आयरन। इट पोजेसेस द मशीनेबिलिटी बेटर देन स्टील, इट हैज अ हाई रेजिस्टेंस टू वियर इंक्लूडिंग स्लाइडिंग वियर, इट पोजेसेस हाई वेरिएशन डैम्पिंग कैपेसिटी। अब इस टर्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटर मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी शब्द का मतलब ये होता है कि जब हम किसी मेटल को कास्ट करते हैं, ठीक है, उस कास्टिंग के बाद अगर हमें उसको किसी मशीन से कट करना है या फिनिश करना है, मान लीजिए सरफेस को हमको चिकना करना है या फिनिश करना है, तो एज कम्पेयर टू स्टील ये जल्दी फिनिश हो जाता है और अच्छा सरफेस फिनिश देता है। स्टील जो है इतना अच्छा सरफेस फिनिश नहीं देता एज कम्पेयर टू ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें लिखा हुआ है इट हैज अ हाई रेजिस्टेंस टू वियर। वियर रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दो वर्किंग पीस अगर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, मान लीजिए एक वर्क पीस ये है और दूसरा वर्क पीस ये है, अगर ये वर्क पीस इसके ऊपर क्या करता है, इस तरह से स्लाइड करता है यहाँ और यहाँ मूव करता है, तो इसकी वजह से इस सरफेस में वियर होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे वियर होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं वियर होता है, तो ये जो वियर है इसको अवॉइड करता है या इसको बहुत अच्छे से रोकता है। ठीक,
इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा है इट पोजेसेस अ हाई वाइब्रेशन डैम्पिंग कैपेसिटी। अब वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन आपको पता है, कोई चीज अगर कंटिन्यूअसली अपनी पोजिशन से हिल रही है और उस और उसकी वजह से किसी मशीन पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कहा जाता है वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन तो आपको पता है कि वाइब्रेशन क्या होता है। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा है डैम्पिंग कैपेसिटी। डैम्पिंग का मतलब क्या होता है? रोकना या स्टॉप करना। ठीक है, जो वाइब्रेशन को जो रोकता है उसकी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा होती है ग्रे कास्ट आयरन में। ठीक है, तो इसकी वजह से हम ऐसी जगहों पे इनका यूज कर सकते हैं जहां पे कंटिन्यूअसली वाइब्रेशंस होते हैं, जैसे मशीन के पार्ट हो गए, एसी इंजन के पार्ट्स हो गए, तो बहुत सारी ऐसी जगह जहां पे कंटिन्यूअसली वाइब्रेशंस होते हैं वहां पे हम इसको ग्रे कास्ट आयरन को अप्लाई कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। डैम्पिंग का शब्द का मतलब आप समझिए स्टॉप करना या रोकना। ठीक है, वाइब्रेशन को जो रोकता है उसको कहा जाता है डैम्पिंग। जैसे आप देखिए आपके मोटर बाइक में, आपके बाइक में इस तरह का एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, इस स्प्रिंग के अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, इस स्प्रिंग के सेंटर पे इस तरह का एक पाइप जैसा लगा रहता है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देना, इसके अंदर एक और पाइप लगा होता है इस तरह से। ये यहाँ अटैच होता है और ये यहाँ ऊपर आपके सीट में अटैच रहता है, ये आपके चके में अटैच रहता है व्हील में। तो ये जो होता है इसी को कहते हैं क्या, ये जो है ये है डैम्पर, इसको कहते हैं डैम्पर। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या करता है वाइब्रेशन। स्प्रिंग तो क्या करता है, शॉक को रोक लेता है, झटके को रोकता है। लेकिन अब स्प्रिंग अगर ये डैम्पर नहीं होगा तो स्प्रिंग क्या करेगी, कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे मूव कर देगी। तो ये डैम्पर जो होता है ये क्या करता है, इस वाइब्रेशन को रोकता है, इसी को कहा जाता है डैम्पर। तो यही यहाँ पे यूज किया गया डैम्पिंग शब्द। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, ग्रे कास्ट आयरन में और क्या बता रहा है। ग्रे कास्ट आयरन ऑफ कोर्स ग्रे आयरन हैज द लो डक्टिलिटी एंड लो इंपैक्ट स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू द स्टील। अब देखिए जो ग्रे कास्ट आयरन है उसमें कैसा होगा कि जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है उसकी कम रहेगी। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ मतलब अगर आप किसी चीज पे लोड लगाते हो बाय शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जैसे हम किसी में हथौड़ा मारते हैं, ठोकते हैं, तो वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। इस तरह के फोर्स को क्या कहते हैं, इम्पैक्ट लोड या इम्पैक्ट फोर्स। तो ये जो है इम्पैक्ट लोड के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होता और इसकी स्ट्रेंथ जो है इम्पैक्ट लोड के लिए कम होती है एज कम्पेयर टू स्टील। स्टील के कंपेरिजन में कम होती है, लेकिन स्टील की इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ग्रे कास्ट आयरन हैज अ सॉलिडिफिकेशन रेंज ऑफ 2400 टू 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस टेम्परेचर रेंज पे ये क्या हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन होना चालू हो जाता है। इट हैज अ श्रिंकेज ऑफ 1.18 इंच पर फुट। मान लीजिए अगर एक फिट का अगर आप कोई रॉड की कास्टिंग कर रहे हो या कोई वर्कपीस की कास्टिंग करते हो तो ये क्या होगा, 1 by 8 inch जो है वो श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है कास्टिंग होने के बाद, सॉलिडिफिकेशन होने के बाद 1 by 8 inch छोटा हो जाता है एक फिट की कास्टिंग में। अगर आपने एक फिट की कास्टिंग बनाई है तो उसमें वो 1 by 8 शेप जो है वो साइज कम हो जाता है, या 1 mm बोलो 100 mm में। इट एसोसिएट्स लो कॉस्ट कंबाइंड विद द हार्डनेस एंड रिजिडिटी। तो ये जो है बहुत लो कॉस्ट का मटेरियल होता है जिसको हम मल्टीपल एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं जहां पे आपका इंपैक्ट लोड नहीं हो। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन पोजेसेस हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब देखिए जहां पे भी आपका हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी वहां पे इंपैक्ट लोड कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो मटेरियल जो होता है हल्का सा ब्रिटल टाइप का होता है जो क्या कंप्रेसिव लोड को बियर कर लेता है लेकिन इंपैक्ट लोड जो है वो बियर नहीं कर पाता। ग्रे कास्ट आयरन पोजेसेस एक्सीलेंट कास्टिंग क्वालिटीज फॉर प्रोड्यूसिंग सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स शेप्स। इसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स शेप्स हम बना सकते हैं ग्रे कास्ट आयरन से। यहाँ पे एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए ये सारे इतने एप्लीकेशन हैं ग्रे कास्ट आयरन के। पिस्टन रिंग, ये आपको पता है, इनगॉट मॉल्ड बता रहा हूँ अभी मैं, सैनिटरी वेयर, टनल सेगमेंट, मैन होल कवर, फ्रेम्स फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स, गैस एंड वाटर पाइप्स फॉर अंडरग्राउंड पर्पस, सिलेंडर ब्लॉक्स एंड हेड्स फॉर आईसी इंजन्स, मशीन टूल स्ट्रक्चर, बेड फ्रेम एंड डिटेल्स। तो ये सारी चीजें अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द ग्रे कास्ट आयरन यहाँ पे बने हुए हैं सारे एप्लीकेशन ग्रे कास्ट आयरन के। ये देखिए, ये लिखे हैं एप्लीकेशन ऑफ द ग्रे कास्ट आयरन। सबसे पहले पिस्टन रिंग, ये आपको पता होगा पिस्टन जो आपका होता है आईसी इंजन का पिस्टन होता है उसमें हम क्या करते हैं, रिंग फिट करते हैं ताकि आपका एयर जो है या हॉट गैसेस लीक ना करे, उसको कहा जाता है पिस्टन रिंग। वो ये है जो एक बैंगल्स की तरह होता है जिसमें बीच से ये क्या होता है, टूटा हुआ रहता है, ब्रेक पार्ट होता है, यहाँ से टूटा रहता है, इसको फिट करने के लिए रहता है। ठीक है, नंबर वन पिस्टन रिंग। दूसरा इनगॉट माउल्स। इनगॉट मतलब क्या होता है, छोटे छोटे आपको दिख रहा है ये जो दिख रही छोटी कास्टिंग, इस तरह की छोटी कास्टिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सैंड मॉल्ड हम नहीं बनाते हैं, छोटे से ये इनगॉट, इसको इनगॉट बोला जाता है, छोटी जो कास्टिंग होती है इसको इनगॉट बोलते हैं। और मोल्ड मतलब ये जो आपका मेटल का बना हुआ है इसको कहते हैं मोल्ड। आप क्या करते हैं, मोल्टन मेटल को मेल्ट करके डायरेक्टली हम इसमें क्या करते हैं, पोर कर देते हैं और इस तरह से ये इसमें सॉलिडिफाई हो जाता है, ये कहलाता है आपका इनगॉट।
तो इनगॉट मोल्ड बनाना है, तो इस तरह के आप मोल्ड भी किससे बना सकते हो, ग्रे कास्ट आयरन से बन जाती है, आपको दिख रहा है। ये जनरली ज्वेलरी बनाते हैं जो लोग, उन लोग ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि आपको उसको मेल्ट करके एल्युमिनियम सॉरी सिल्वर को या गोल्ड को मेल्ट करके वो एक पर्टिकुलर शेप देना है, तो उसके लिए इजिली इसमें इनगॉट मोल्ड्स का इसका यूज किया जा सकता है ग्रे कास्ट आयरन में। नेक्स्ट है आपका सैनिटरी वेयर। जितने भी आपके बाथरूम फिटिंग्स होते हैं या आपके किचन फिटिंग्स होते हैं, ठीक है, या आपके टॉयलेट में जो फिटिंग्स लगती हैं, इस तरह की फिटिंग जो आप देखने को मिलती है सारी किसकी बनती है, ग्रे कास्ट आयरन की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट टनल सेगमेंट, आपके जो बड़े बड़े टनल्स बनते हैं, अभी आपने देखा होगा बहुत बड़े टनल का इनॉग्रेशन हुआ, उस टनल को जो बनाया जाता है तो ये हिस्सों में बनाया जाता है, छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे पीस में इनको ज्वाइंट किया जाता है, ये दिख रहा है, ये अलग अलग सेगमेंट है, छोटे छोटे पीसेस में इनको जोड़ा जाता है, जोड़ करके इसको बनाया जाता है। तो इन छोटे छोटे पीसेस को जोड़ने के लिए कई बार हमको मेटल के पार्ट्स लगते हैं, ठीक है, जो भी मेटल के पार्ट्स लगते हैं वो किसके बनते हैं, ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके ब्लॉक्स को बीच में आपस में अटैच करने के लिए कई बार कुछ मेटल के पीसेस लगाए जाते हैं, जिनसे इनको कंबाइन करके एक सर्कुलर रिंग टाइप जैसा बनाया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट मैन होल कवर, ये आपको अक्सर देखने को मिलता है जब हम रोड में जाते हैं, तो आपको गोल गोल इस तरह के आपको स्टील के ढक्कन लगे दिखते होंगे रोड में, स्टील नहीं होता हालांकि, ये वो रहता है क्या, ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है, मेटल के जो कैप्स होते हैं इस तरह के आपको देखने को मिलते हैं, है ना, लगे रहते हैं, नगर निगम फिट करता है उसको, सीवेज लाइन के ऊपर लगे होते हैं, तो इसको कहते हैं मैन होल कवर, ठीक है, ये कहलाते हैं मैन होल कवर, ये भी ग्रे कास्ट आयरन के बनते हैं। मोटर, जितनी भी आपको मोटर्स होती हैं, जेट पंप से आपके घर में मोटर लगी होती है, उन मोटर का जो फ्रेम्स बनते हैं, जो आपके फ्रेम दिख रही है ऊपर की फ्रेम या बॉडी जो कह सकते हो, ये सारे किसके बनते हैं, किसके बनते हैं, ग्रे कास्ट आयरन के। पाइपिंग, जो अंडरग्राउंड पाइपिंग फिटिंग की जाती है वाटर की, ये जमीन के अंदर पाइप फिट किए जाते हैं, या तो वाटर के लिए या तो फिर आपके गैस सप्लाई के लिए, ठीक है, अपने यहाँ गैस सप्लाई ज्यादा नहीं होती, वाटर सप्लाई के लिए ज्यादा यूज करते हैं, तो यहाँ पे इन सब का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो ग्रे कास्ट आयरन के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सिलेंडर ब्लॉक ऑफ आईसी इंजन। अब सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है, जो भी आपका इंजन होता है उसके अंदर जहां पिस्टन मूव करता है, जिस बॉडी के अंदर पिस्टन मूव कहते हैं, मूव करता है, इसको कहते हैं हम सिलेंडर ब्लॉक ऑफ आईसी इंजन। अभी जो ब्लॉक है ये जनरली आप देखे होंगे यहाँ पे आपको फिनिश दिख रहा है, ये जब कास्टिंग बनाते हैं तो ये ऐसा फिनिश्ड नहीं होता, ये जो सरफेस है इसको फिनिश किया गया है ताकि हम इसको कहीं पे दूसरी जगह इसमें कुछ हिस्सा जोड़ सके। यहाँ देखिए, ये ऊपर देखिए, ये जो सारे हिस्से हैं इनको फिनिश किया गया है। अभी आपने प्रॉपर्टी में देखा कि इसकी क्या होती है, हाई मशीनेबिलिटी होती है, क्या रहती है, मशीन एबिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा रहती है। मशीन एबिलिटी मतलब आप इजिली मशीन कर सकते हैं, तो हम सरफेस को क्या करते हैं यहाँ पे चिकना करके फिनिश करके मिलिंग मशीन से या किसी सीएनसी मशीन से इसको फिट करने लायक इजिली बना लेते हैं। तो ये कहलाता है आपका इंजन ब्लॉक्स ऑफ आईसी इंजन। इसके ऊपर आपका जो पिस्टन होता है, पिस्टन के ऊपर एक बॉडी भी लगती है, एक और कैप लगता है, पिस्टन हेड जिसको कहते हैं, है ना, सिलेंडर हेड। ये सिलेंडर हेड जो होता है इसको कवर करता है, ये भी उसी मटेरियल का बना होता है, क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है लेथ बेड। आपका जो लेथ आपने देखी होगी वर्कशॉप में, लेथ लगी रहती है, तो उसमें ये जो आपको बेड दिख रहा है, ठीक है, ये बेड हैवी मटेरियल का। इसके बाद ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सारे स्ट्रक्चर किसके बने होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं। ये इतने एप्लीकेशन है हमारे ग्रे कास्ट आयरन की।